हेलो दोस्तों, तो आज मैं वापस आ चुका हूँ अपनी एक और ड्राइंग के साथ। लेकिन इस वाली ड्राइंग को शायद आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल वीडियो को देखिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल वीडियो है जो कि मैंने आई ड्राइंग के ऊपर क्रिएट किया है। तो ये आई ट्यूटोरियल मैंने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आई वीडियो के ऊपर एक ट्यूटोरियल क्रिएट करूं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीक पहले क्रिएट की थी। तो ये रही वो वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स करके बनाया हुआ है क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए समझने वाली हैं तो वो आप प्रॉपरली समझ पाएँ। इसमें जो मैं ऑडियो में आपको बता रहा हूँ चीज़ें, वो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने इस वीडियो में एक्चुअल में किया क्या। अभी जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं आई लैशेज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। तो आई लैशेज़ को मैंने क्रिएट किया हुआ है 8B डार्क पेंसिल से। स्टेडलर का 8B डार्क पेंसिल मैंने यूज़ किया था इसके लिए। लेकिन आई लैशेज़ को भी क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आपकी जो पेंसिल है वो पॉइंटेड शार्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पेंसिल पॉइंटेड शार्प नहीं होगी तो आई लैशेज़ उसमें प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। आई लैशेज़ को क्रिएट करने के लिए मैंने धीरे धीरे पहले, और हाँ एक चीज़ है कि आई लैशेज़ पहली स्ट्रोक में ही आपकी प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मेन जिस पेपर पे आप बना रहे हैं इस ड्राइंग को तो आपको उसी पे ही आई लैशेज़ को बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले आप एक नॉर्मल छोटा सा पेपर या शीट ले सकते हैं, उस पर आई लैशेज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर स्क्रॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रिबलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि आपके स्ट्रोक्स आपकी मेन ड्राइंग में प्रॉपरली निकले। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से आई लैशेज़ को कर रहा हूँ। एंड देन सेकेंडली आई केम टू द जो आई का मसल होता है, जो एक्चुअल में जो लिड होती है, आई लिड्स के ऊपर जो वो स्किन होती है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये मॉड्यूलर आई है, जो एक मॉडल की आँख क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एक्चुअली इनका जो मस्कारा है, जो काजल का जो टेक्सचर है, वो भी प्रॉपरली देना है सो दैट कि ये रियलिस्टिक लगे उस तरीके से। तो उसको मेंटेन, उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो डार्क टेक्सचर का प्रोपोर्शन है, उसको मेंटेन करने के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है मेकअप ब्रश। नॉर्मली मेकअप ब्रश आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप ब्रश आर इजी टू अवेल, अमेजोन से भी आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन, या तो अगर आप ऑफलाइन कहीं जाते हैं तो कॉस्मेटिक्स की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। सॉफ्ट मेकअप ब्रशेज़ उनको बोलना है कि वो आपको प्रोवाइड करें और वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे। द थर्ड पार्ट कम्स। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था कलर्स को इंट्रोड्यूस करना। कलर्स मैंने जो इसमें प्यूपल को टेक्सचर करने के लिए यूज़ किए हैं, अभी जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ब्लैक कलर की जो लाइन है ये इसमें मैंने तो नॉर्मल ब्लैक कलर ही यूज़ किया हुआ है, लेकिन प्रेशर आपको ध्यान रखना है, हाथ का प्रेशर आपको दबा के नहीं डालना है, मतलब दबा के आपको ड्रॉ नहीं करनी है कोई स्ट्रोक, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्ट्रोक दबा के ड्रॉ की तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेन द प्रॉपर टेक्सचर। तो बेटर यही है कि लाइट टू डार्क आप जाएं रैदर दैन डार्क टू लाइट, क्योंकि डार्क टू लाइट जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप डार्क से लाइट नहीं आ सकते, लाइट टू डार्क ही आपको जाना पड़ता है। तो देन आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड स्काई ब्लू कलर। मैं जो कलर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू स्ट्रो के पेंसिल कलर टेक्सचर्स। तो ये वाला जो कलर है ये है स्काई ब्लू कलर का टेक्सचर मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई का प्यूपिल है, अगर आप उसको प्रॉपरली शीशे में अगर आप अपनी आँख भी ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये आप ज़रूरी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आप अगर एक आर्टिस्ट हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना कि जो ये आपकी जो आई है आप उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना शीशे के अंदर, और जितना हो सके जितना कीनली जितना पास में जाकर आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आई का जो टेक्सचर है उसमें ब्रेकेजेस बहुत होते हैं। जहाँ पे ये ब्लैक वाला जो आपको ये दिख रहा है, जो ब्लैक टेक्सचर दिख रहा है आपको बीच में आई के प्यूपल के बीच में,
जो ये ब्लैक वाला टेक्सचर है उसके साइड में, उसके और आई के प्यूपल के बाउंड्री में, आउटर बाउंड्री में बहुत सारे ऐसे ब्रेकेजेस होते हैं अगर आप देखोगे तो, उन ब्रेकेजेस को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पे। तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस ऑब्जर्वेशन इसमें क्लियर रखनी है। जितना आप मेरी जो रेफरेंस पिक्चर थी मैंने उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके कौन सी चीज़ कहाँ पे ब्रेकेज कितना मांग रही है वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए मैंने प्रॉपरली उस इमेज को ऑब्जर्व किया था, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ ही आई वॉज एबल टू क्रिएट एंड गिव द टेक्सचर्स टू द आई। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं पेंसिल से किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी सेम उसी तरीके से उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप से बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी दैट यू हैव टू कंसनट्रेट ऑन द रेफरेंस इमेज प्रॉपरली, सो दैट अगर आप प्रॉपरली उस पर कंसनट्रेट कर पाएंगे तो ही आपको बेटर रिजल्ट वो दे पाएगी तब। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर आपके पेपर पे जाने से पहले आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, अगर आपके माइंड में पिक्चर सही ढंग से सेट है तो आपका जो काम है वो बेटर तरीके से पेपर पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपका माइंड में ही आपका प्रॉपर पिक्चर नहीं बना है तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रिएट सच अ पिक्चर दैट यू आर डिज़ायरिंग ऑफ। तो ये ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपरली अपने ऑब्जर्व करके कंसनट्रेशन के साथ काम करें, प्रॉपरली इमेज को ऑब्जर्व करें, देन उसको अपने माइंड में पहले फ्रेम करें, देन आफ्टर दैट पेपर पे ट्रेस करें। ब्राउन कलर मैंने इसमें यूज़ किया था, येलो कलर मैंने इसमें यूज़ किया था, ब्लू कलर मेन और ब्लैक कलर मेन ग्रेडियंट्स के लिए मैंने ऐसे यूज़ किए थे। तो वो प्रॉपरली आपको अभी इसमें दिख जाएगा, वो आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपनी रेफरेंस इमेज में कि आपकी रेफरेंस इमेज कौन सा कलर मांग रही है, और आपकी जो रेफरेंस इमेज आपसे जो कलर मांगती है तो वही कलर आपको उसको प्रोवाइड करने से पहले उस कलर को पहचानना पड़ेगा खुद माइंड में कि वो कौन सा कलर है जो आपसे मांगा जा रहा है रेफरेंस इमेज के थ्रू, तभी आप उसको वो उस तरीके का टेक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अब ध्यान से देखिए मैं अब कैसे कलर्स को इसमें यूज़ कर रहा हूँ, कलर के टेक्सचर्स को कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपने क्योंकि ये चीज़ समझ ली तो आपके लिए मुझे आशा है कि आपके लिए ड्राइंग्स जो हैं वो आने वाले टाइम में इजी हो जाएंगे अगर आप भी उसको प्रैक्टिस करेंगे या कोशिश करना चाहेंगे तो।
और गाइस यहाँ पे मैं शाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल इरेज़र का अलोंग विद इलेक्ट्रिक इरेज़र। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र नहीं है तो आप पेंसिल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल इरेज़र है तो उसके पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल इरेज़र आपके पास पड़ा है अप्सरा का या नटराज का, तो और आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं और आप ऐसे इस लेवल के ड्राइंग्स ट्राई करना चाहते हैं, तो आप उसके इरेजर का जो पॉइंट इन द सेंस कि जो उसके एजेस होते हैं ना, एजेस या जो उसके वर्टेक्सेस या कॉर्नर्स जो होते हैं रबर के, जो कॉर्नर इरेजर के जो कॉर्नर होते हैं, तो जो वो पॉइंटेड बने होते हैं ना थोड़े, उन कोनों को यूज़ करके इसमें हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि जो ये इलेक्ट्रिक इरेजर है, मैंने इसको इससे भी ये हाईलाइट्स क्रिएट करने से पहले इसको भी सैंड पेपर पर रब करके पॉइंटेड बनाया था, तो जिसकी वजह से मुझे वो टेक्सचर जो मेरे को चाहिए था या जो मेरे को हाइलाइट्स चाहिए थी जिस तरीके की, वो मेरे को प्रॉपरली मिल पा रही थी। तो आप इन सब टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मल रबर में। पहले आप उसको कटर से काट के या सैंड पेपर पे रब करके अच्छे से पहले उसको वाइट बना सकते हो रबर को, देन आफ्टर दैट उसको कटर से काट के आप उसको पॉइंटेड बना सकते हो, सो दैट कि आपको हाईलाइट्स क्रिएट करने में कोई दिक्कत ना आए।